हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सबा ट्रीट्स में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही टुकड़ा बनाने की रेसिपी। जैसा नाम है वैसा ही टेस्ट भी होता है शाही टुकड़े का। कोई ही ऐसा होगा जिसे पसंद ना आए। बनाना बहुत आसान है, कैसे बनाते हैं ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैंने यहाँ 5 ब्रेड के स्लाइसेस को ले लिया है। मैंने यहाँ व्हाइट ब्रेड का यूज किया है, आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। ब्रेड के चारों साइड्स कट कर लेंगे क्योंकि घी में डालने पे वो तुरंत जल जाते हैं। जो मैंने ब्रेड के साइड्स कट किए हैं उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनका मैं ब्रेड क्रम्स बना के स्टोर कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स गार्निश करने के लिए मैंने काजू, पिस्ता और बादाम लिया है। ₹300 ग्राम खोया लिया है। चीनी मैंने आधे बाउल लिया है चाशनी बनाने के लिए। तो चलिए पहले चाशनी बना लेते हैं क्योंकि उसको ठंडा करके यूज करना है हमें। चीनी आधे बाउल लिया है तो पानी 1.5 गुना रहेगा। शाही टुकड़ा में चाशनी में तार नहीं बंधे होते हैं, ना ही बहुत पतला होता है। 10 से 12 केसर डालकर बॉइल कर लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं चाशनी अच्छी सी रेडी हो चुकी है। अब ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में देसी घी लिया है क्योंकि ब्रेड को डीप फ्राई करना है। घी थोड़ा गर्म होते ही हम इसमें ब्रेड के स्लाइसेस को ऐड कर देंगे। ज्यादा घी गर्म होने पे हम ब्रेड के स्लाइसेस को ऐड करेंगे तो वो तुरंत जल जाएगा। पलट पलट कर अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है, फ्राई हो गया है। निकाल लेते हैं इसे, ऐसे ही सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। मैंने 1 कप दूध डालकर थोड़ा पतला कर लिया है, तो चलिए सर्व करते हैं। चाशनी अब बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसमें एक एक करके ब्रेड ऐड करेंगे, ज्यादा देर सोक नहीं करना है वरना ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगा। सारे ब्रेड को ऐड करके इसमें खोया और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। देख सकते हैं कितना परफेक्ट एंड डिलीशियस शाही टुकड़ा बनकर रेडी हुआ है। आप भी अपने किचन में इस रेसिपी से जरूर ट्राई करें और कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सबा ट्रीट्स। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़।